रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखा नितांस ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणस्तं शिरसा नमामि। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानंच पालिने जीवदुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने। नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीभार्षभानविदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रमाढ़ श्रीरूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणी। नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबुदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगभराय ते गौरावृभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमः। जयतां सुरतोरुपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बुजौ श्रीराधा मदनमोहनौ दिव्यदवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधौ हरिमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलघुगोविन्ददेवौ पृष्ठलिभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी बंसी बाट तटस्थित कर्षण वेणु सुनि गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु न। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दवन लसम संसार दहनी दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुण वारिद कृपा वारिदनी
वंदिषे गुरु चरण कमल नित गीता वाद श्रीहरि कीर्तने रहे न मगन महामाता मने रोमांचक पाशु हरि गौर प्रेमे वंदिषे गुरु चरण कमल सदरत देवी विग्रह सेवने श्रृंगार दियार मंदिर मार्जने करेन नियुक्त अनुगत जने वंदिषे गुरु चरण कमल सलिल पेयर समय प्रसन्न कृष्ण अति स्वादु है भक्त स्वादने निज तृप्त रहे वंदिषे गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादने लोकजनी हन प्रतीक्षणी वंदिषे गुरु चरण कमल ब्रज जुवंत रति संवर्धने युक्ति करे सखी सन वृंदावने अति दक्षता प्रियतम गने वंदिषे गुरु चरण कमल सर्वशास्त्रे गाये श्रीहरि स्वरूप भक्तगण भावे से अनुरूप किंतु जिनि प्रभु प्रियतम रूप वंदिषे गुरु चरण कमल आदि कृष्ण कृपा पाए जरा प्रसादे अन्य गति नहीं त्रिसंध कीर्तिरा तब जानी भाई वंदिषे गुरु चरण कमल गुरुदेवा जग अति जत्न करे ब्राह्मी मुहूर्ते पड़े उच्च करे वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाए से वस्तु वंदिषे गुरु चरण कमल जय गुरु देवा जय गुरु देवा गुरु देवा जय गुरु देवा जय गुरु देवा गुरु देवा जय गुरु देवा कृष्ण है ते चतुर लक्ष्मीपति व्यास दास
साहिते माधवेन्द्र माधवेन्द्र पुरी परमेश्वरनंद प्रिय ईश्वर पुरी के धन करिए जगत गौर महाप्रभु महाप्रभु कृष्ण Yeah.
Thank you.
बलराम भर बोलते थे मुनिंद्र भी 220 माइक ठीक लगा दो, ठीक से लगा, उनका मुंह ठीक करो। प्रसन्न वक्र पंकज निकोय मिलन मनो
विना पुनागरम विलासनु गबासकम सुरेन्द्र गर्वमोचनम नमामि नंदनंदनम ब्रजांगना सुनायकम सदा सुख प्रदायकम जगन्मनो प्रलोभनम नमामि नंदनंदनम त्रिनंदनंदनाशकम पठे लभे सदा नमामि नंदनम नमामि नंदनम कृष्णदेव भवन्तं वंदे देव भवन मन मनस मधुकरं मर्पय निज पद पंकज मकरंदे मन कृष्णदेव भवन्तं वंदे आयदान मिथा विनिसम्मत वाचुक तदपि कृपा दुर्गवीति सम्मत वाचुक तदपि कृपा दुर्गवीति कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं भक्ति रुदन्तति यद्यपि माधव न त्वयि मम दिगमात्रे भक्ति रुदन्तति अपरमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विभाते निवसतु नीतमृयामृतनिन्दिति विदन मधुरिमसार
आवृतवनो दधि नवससि लेखे ललिता सखी गुण रमित विषाके
ओम ज्ञानतिमिरां तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कथकली हम लोग श्रवण कर रहे थे, कैसे कृष्ण क्या कर रहे थे, उनको बुला रहे थे कौवे को बंदरों को उनका जो खाना है। इसलिए कृष्ण मटकी फोड़े, मटकी फोड़ करके और एक घर में प्रवेश करते हुए एक उखल गोपर खड़े हो गए और छिक्के के ऊपर से मक्खन उतार करके कौवे और बंदर को खिला रहे थे। बोले क्यों खिला रहे थे, जो बंदर हैं ये हनुमान की वंशधर है, ये रामलीला में कहते मैंने उनको कुछ भी नहीं खिलाया, अपना हाथों से जंगल से खा लिया करते थे और मेरे लिए इन लोगों ने युद्ध किया, कम से कम कृष्ण अवतार में तो मक्खन खिला दो, आ जा मक्खन खा लो। कौए कौन है, कहते ये काग भुसुंड के वंशधर है। काग भुसुंड नीलगिरि पर्वत गोबर में नित्य निरंतर प्रभु राम की कथा सुनाते हैं। इसलिए बोले मेरे जो कथा सुनाते हैं ना उनको मैं मक्खन मिश्री खिलाता हूँ। अभी भी हम लोग जिन जिन घर में जाते हैं खूब क्या मिलता है, खूब मिठाई मिलता है और खूब और फल फूल खूब खाने के लिए मिलता है। इसलिए महाप्रभु जो बच्चे थे ना बड़े सुंदर थे, जब घर घर में जाते थे महाप्रभु को सब संदेश देते थे। संदेश जानते हो, बंगाल इधर को जो मिठाई कहते ना बंगाल में इसको संदेश कहते, बहुत स्वाद है। लेकिन महाप्रभु नहीं खाते थे, वो किसको खिलाते थे, जो लोग कीर्तन करते थे महाप्रभु मिठाई लेकर उनको खिलाते थे। सिखा देते हैं जो मेरे कीर्तन करेंगे ना खूब मिठाई मिलेगा उनको। और सचमुच से हम लोगों को घर घर में जाओ तो मिठाई खूब मिलता है, फल मिठाई खूब मिलता है वहाँ पर। इसलिए कौओं को उन्होंने खिला रहे थे। इतने में मैया जसोदा जब उन्होंने दूध उफन रहा था उसको पर पानी की छिटकाप दे करके उसको शांत किया, शांत करके जब मैया आई ना क्या देखा, मटकी फूटी हुई। बोले ये मेरी सांस की समय की मटकी और कितने घी पी पी करके कितने मजबूत हो गया था और तुमने ये मटकी फोड़ दी हैं।
पहले शिकायत आया करता था, तू दूसरे दूसरे घर में मटकी फोड़ता है, आज मेरे को सचमुच से विश्वास हो गया तुम मटकी फोड़ते हो, इसलिए इसको कुछ हमें सजा देनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा भविष्य में ये बेटा जा करके बिगड़ जाएगा। इसलिए नियम है, बच्चा जो बचपन में कुछ बदमाशी करते हैं ना, उसको शासन करनी चाहिए। इसलिए कहते कितने साल तक, कहते 16 साल तक शासन करनी चाहिए, 16 साल के बाद में फिर शासन नहीं। मतलब बच्चे को इतना शासन करो 16 साल तक एकदम चंगा हो जाए, एकदम पक्का हो जाए, उसको बाद में फिर उसको मित्रवत आचरण करनी चाहिए। नियम है ये, नीति शास्त्र कहता है। इसलिए उसको कुछ हमें शासन करनी चाहिए, नहीं शासन करेंगे तो ये धीरे 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 जाकर के ये बदमाशी हो जाएगा। इसलिए मैया ने देखा ये दुष्ट गया कहाँ। हाँ, कहते चोर जब चोरी करता है वो ऐसे कुछ चिन्ह छोड़ करके जाता है, जो CID ना वो पकड़ लेता है, लेकिन कृष्ण सबसे बड़े चोर है, लेकिन चोरी करने पर क्या होगा, लेकिन उनने कुछ निशान छोड़ कर गए। बोले क्या, जब घर घर में वो मट्ठा मक्खन फैल गया था, वो कृष्ण के चरण में भी लगा हुआ था। इसलिए कृष्ण जब धीरे 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 गए, वो जो चरण का जो छाप पड़ा हुआ था, इतने में मैया एक छोटी सी लठिया छड़ी उठा ली और वो चरण को धीरे 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 उसको फॉलो कर रही है। तब हमारे यहाँ टीकाकार कहते हैं, क्या कृष्ण को ये बात पता ही नहीं था, मैया ये चरण चिन्ह को देख करके मेरे को पकड़ लेगी, क्या पता नहीं था, कृष्ण तो भगवान है, क्या उनको ये बात पता नहीं था। बोले सब कुछ पता। बोले फिर ये चरण चिन्ह क्यों छोड़ कर गए, बहुत अच्छी बात कहते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगतम जनमाम उपजानते थे। इसका मतलब है जो व्यक्ति सतत युक्त होकर के मेरे भजन करता है, उनको सारी बुद्धि विवेक सब मैं देता हूँ, वो कैसे मेरे को प्राप्त करेंगे। देने वाले कौन है, ठाकुर जी देने वाले हैं। भगवान कहते अगर मैं स्वयं को पकड़ में नहीं आऊं, पृथ्वी में से कोई व्यक्ति नहीं मेरे को जो पकड़ ले, हैं मेरे को जो पकड़ ले, मेरे को पकड़ना इतना आसानी बात नहीं, मैं स्वयं। इसलिए बोले न अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, ये आत्म तत्व तो प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। न मेधया, कोई सोचे हम बड़े तो इंटेलिजेंट भगवान को समझ लेंगे, बोले वहाँ पर कोई बुद्धि बुद्धि काम नहीं करता है। न बहुना श्रुते न, बोले दिन भर तक हम पढ़ते हैं सुनते हैं, बोले इससे, बोले नहीं मिलेगा। बोले मिलेगा कैसे, बोले जब मैं वैस वृणुते तेन लभ्य, जब भगवान स्वयं कृपा करके अपनी आप को जनाते हैं। इसलिए सही जाने जा रहे देहो जानाई, उनको वही जान सकते हैं कृपा करके वो जिसको जनाते हैं, हैं। इसलिए कृष्ण जानते हैं मैया तो मेरे को ढूंढेगी, लेकिन मैं जब तक मैया को कोई चिन्ह छोड़ करके नहीं जाऊं, मैया मेरे को पकड़ नहीं सकती है। इसलिए कृष्ण जान बुझ करके चरण की छाप को धीरे 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 उन्होंने उतर गए। मैया धीरे धीरे, जैसे बिल्ली चलता है ना, बिल्ली, अब देखना बिल्ली जब चले पता नहीं चलता है, भले सूखे पत्ते के ऊपर क्यों बिल्ली नहीं चले, अब देखना वो इतना उसका प्यार सब टाइप पता नहीं चलेगा बिल्ली चलने पर भी। इसलिए मैया धीरे धीरे बिल्ली का चाल जैसे मैया धीरे धीरे चल रहे, जा करके क्या देखती हैं, मक्खन कितने कष्ट से मक्खन निकलता है, मक्खन निकाला कितना कितने कष्ट से निकलता है। गैया को चारा खिलाओ, उसके दुहन करो, गैया को गोबर फेंको, उसको स्नान कराओ, फिर दूध को गर्म कराओ, फिर उसको जमाओ, फिर मंथन करो जाकर कहीं मक्खन इतने कष्ट से निकलता है, हैं। कहते तो किसके लिए मैं इतना कष्ट करके मक्खन निकालता हूँ, बोले लाला के लिए निकालता हूँ, लेकिन उसको बंदर और कौओं को हैं इतना बर्बाद। मैया ने देखा इसको तो कुछ सजा देनी ही चाहिए, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए मैया को तो बड़ा क्रोध आए। जब कृष्ण धीरे 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 मैया आ रहे थे ना, देखो जितने जानवर में बंदर सबसे चालाक है, इनसे चालाक कोई नहीं, और चिड़िया में सबसे ज़्यादा कौन है, कौए, ये काग बड़े धूर्त है। आप देखना कौआ कहीं बैठा हुआ देखेंगे ना, हर चिड़िया को देखना, कौआ को देखना, उसका दिमाग ऐसे ऐसे हिलता होगा देखना। आप बंदर को देख लेना, कहीं भी बंदर चुप करके नहीं बैठा होगा, कहीं नहीं देखोगे बंदर को,
चारों तरफ उसका नजर चारों तरफ में, कहते बंदर में कौआ है, कौआ चिड़िया में और बंदर जानवर में बड़ा चतुर है। मैया ने जब धीरे धीरे लठिया लेकर के आ रही थी, ये जो कौए बंदर जब दूर से देखा, बोले भैया मैया डंडा लेकर के आ रही, भैया कुछ गड़बड़ी है, दाल में कुछ काले काला है। इतने में ये जो बंदर थे ना, वो एक एक बंदर धीरे धीरे पीछे पीछे सरकने लगे और जो कौआ थे वो एक एक उड़ने लग गए। कृष्ण सोचे ये कौए बंदर क्यों भाग रहे हैं, भैया कोई गड़बड़ तो नहीं है, ऐसे नहीं मैया तो नहीं आ रही हैं। इतने में कृष्ण पीछे मोड़ करके देखे, जब मोड़ करके देखे सचमुच से मैया पास में आ गई, पकड़ने वाली थी। हाँ लेकिन देखो जो पक्के चोर दो तरह के, कच्चे चोर और एक पक्के चोर। जो पक्के चोर होते हैं, गृह स्वामी अगर जग जाए वो किधर से जाएगा ना, पहले रास्ता को ठीक कर देखता है, नहीं तो पकड़ जाएगा ना। लेकिन कृष्ण तो कच्चा चोर है नहीं, वो तो पक्का चोर है। उसने पहले से क्या किया था, जो मेन रोड का जो दरवाजा को खोल कर रखा था। बोले क्यों, बोले मैया अगर इधर से आएगी तो मैं इधर भाग जाऊंगा हैं। और मैया तो घर के बहू, पहले माताएं घर से बाहर कोई नहीं निकलती थी, इसलिए मैं तो बच्चा भाग जाऊंगा, फिर मैया मेरे को पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन वो जो दिन था ना, वो दीपावली का दिन था। उसी दिन जितने ब्रजवासी पुरुष लोग दीपावली मनाने के लिए सबके सब गोवर्धन में चले गए थे, हैं दीपावली, कोई गांव में कोई पुरुष था नहीं। कृष्ण जब छलांग लगाए मेन रोड में निकल गए, मैया से आज बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन मैया बोली तू मेरे कोख से जन्म लिया, सोच तो मेरे से भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तू सोच रहे हो मैं घर की बहू बाहर नहीं निकलूंगी, आज कोई भी पुरुष आज नहीं, सब पुरुष कहाँ चले गए दीपावली मनाने के लिए, सब स्त्रियां घर में हैं, इसे स्त्रियों के सामने थोड़ी लज्जित होती है, मैं छोड़ने वाली नहीं। मैया तो डंडे लेकर के कृष्ण को पीछे भागे, बोले किसको पीछे भाग रहे हैं, बोले यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, जिनको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि वायु रथापि मनस मन पुंगवानम, कहते बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी जिनको पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं लेकिन उनको दर्शन नहीं कर पाते हैं। बोले चरण की नख की छटा तक भी ब्रह्मा दर्शन नहीं कर पाते, ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद, इसलिए जिनकी चरणों को ब्रह्मा शंभु इंद्र चंद्र जिनके चरणों को पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, काल जवन भागवत में आता है ना, काल जवन जिनको पकड़ने के लिए पीछा किया लेकिन काल जवन भी पकड़ नहीं पाए ठाकुर जी को, आज इनको पकड़ने के लिए मैया कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैया जब भाग रही थी ना, मैया तो थोड़ी सी मोटी सी थी और कृष्ण तो छोटे से, अभी 3 साल कृष्ण हैं और मक्खन खा कर थोड़ा मोटा हो गए कृष्ण, इसलिए कृष्ण जब भाग रहे थे ना, मैया तो पीछा कर रही थी लेकिन भाग नहीं पा रही थी, मोटी सी थी। और जब थोड़ी सी भागी ना, मैया तो हाँपने लग गई। और इतने में मैया अपना चोटी में सुंदर सुंदर फूलों से श्रृंगार करती थी, हैं श्रृंगार की थी अपना चोटी में, दौड़ते समय एक एक फूल भी नीचे नीचे गिरते जा रहा था। मतलब क्या, ये फूल ये बता रहा था, बोले मैया तू ये मत सचो तू अकेली कृष्ण के पीछे भाग रही हो, नहीं हम भी तेरे साथ में, हम पीछे पीछे गिरते गिरते जा रहे हैं ना, हम भी तेरे पीछे पीछे सब मिलकर के आज कन्हैया को पकड़ेंगे, चिंता मत कर तेरे पीछे हम भी हैं। लेकिन जब थोड़ी दूर गए, इतने में कृष्ण भी सोच रहे हैं भैया मैया को कब तक भगाओ, मैया हाँपने लग गई हैं, मैया हाँपने लग गई। इतने में मैया ने डंडे दिखा कर बोले लाला खड़ा होता कि नहीं, देख मेरे हाथ में डंडा, अभी फेंक करके मारू अभी तेरे को, खड़े जाओ वहीं पर। जब उन्होंने ऐसे उठाया मारने के लिए, इतने में कृष्ण ऐसे करते हुए बोले खड़े हो गए, बोले मैया मैं तो खड़े हो जाऊंगो लेकिन पहले हाथ से लठिया फेंक दे, मेरे लठिया देख कर बड़े डर लगते हैं। मैया बोले तेरे को थोड़ी मैं मारूंगी, तेरे को पूजूंगी, माँ कभी कभी बच्चों को पूजा करती है ना, पूजा कभी की कि नहीं, किया हो कभी कोई बच्चों को, इसलिए कहते मारूंगी नहीं तेरे को मैं पूजूंगी अभी, इसलिए चिंता मत कर थोड़ी सी रुक जा। इतने में मैया ने किया कि वो लठिया को पीछे घुमा दी, पीछे घुमा करके कृष्ण को पकड़ लिया। तो इसमें कहते हैं हैं, कहते यहाँ पर कहते रुदंतम नेत्र जुग्मम मृजंतम,
कराम भोज जुगमेन सातंक नेत्रम मुहुर श्वास कंप त्रेखांक कंठ स्थित ग्रैव धाम धर्म भक्ति बदम। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं। और उसको जो पहला श्लोक है, नमामि स्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम जसोदा भियलु खलाप धावमानम परामृष्ट मत्त तत्व द्रुत गोप्या। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले कृष्ण जितने तेज से भाग रहे थे, मैया ने उससे ज्यादा तेज से भाग करके कृष्ण को क्या किया, पकड़ लिया। शिक्षा क्या है? हाँ देखो, भगवान को कोई पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। तब यहाँ प्रश्न होता है, फिर मैया कैसे कृष्ण को पकड़ लिया? बोले तत्व द्रुत गोप्या, मतलब कृष्ण जितने तेजी से भाग रहे थे उससे ज्यादा तेजी से माँ जसोदा भाग रही थी। मतलब क्या है इसका तात्पर्य है, भक्ति दो तरह का है, कहते एक वैदी भक्ति और एक राग भक्ति। लेकिन वैदी भक्ति को द्वारा, वैदी भक्ति किसको कहते हैं? कृष्ण परमात्मा परमेश्वर सर्वांतरजामी घट घट वासी विश्व ब्रह्मांड का मालिक, जिनके इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जगन्नाथ जगत स्वामी परमात्मा हैं, कहते इसको कहते हैं वैदी भक्ति। शास्त्र का विधियों को मान करके जो भक्ति करते हैं, 84 लक्ष जोनि के बाद में ये मानव शरीर मिला, अगर ये जीवन पा करके हम भगवान को भक्ति नहीं करें फिर तो हमको फिर 84 लक्ष जीवन में जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। इसलिए भैया क्या करो, ये जीवन रहते हुए प्रभु का भजन कर लो, भगवान की भक्ति कर लो। भक्ति करोगे तो फिर ठाकुर का चरण प्राप्त हो जाओगे हैं, फिर तो संसार का जन्म मृत्यु का चक्कर में हमें आना नहीं पड़ेगा। इसको कहते जो भय से जो भक्ति करते हैं ये वैदिक भक्ति। इसलिए अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, हम सब भय से भक्ति कर रहे हैं, भय से भक्ति कर रहे हैं। अगर चलो भैया सवेरे सवेरे चलो ठाकुर जी का आरती होगा, क्यों? आरती दर्शन करने से कल्याण होगा। कितना मंगल भवन अमंगलहारी, सवेरे कोई मंगल आरती करेगा तो उसको दिन भर मंगल ही मंगल होता है। कितना ठाकुर का जो पट खोलता है, शुभ दृष्टि कर प्रभु जगत प्रति, जब पहले पट खोलता सामने जो खड़े हुए होते हैं ठाकुर का नजर, सबसे पहले जो खड़े होते हैं उनका नजर, अगर ठाकुर का नजर पहला किसके ऊपर पड़ गया ना, बस तुम्हारी अमंगल खत्म, सारा दिन का तुम्हारी अमंगल खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोग भक्ति करते हैं, हरिनाम करते हैं, हैं प्रभु का भजन करने के लिए कोशिश करते हैं, इसको वैदिक भक्ति कहते हैं। एक राग भक्ति, राग भक्ति किसको कहते हैं? बोले इष्ट स्वारस्य राग परमाभिष्टता भवित तन्मयी जा भवित भक्ति सारागानुगाच्यत। इसका मतलब है भगवान के प्रति जो स्वाभाविक रूप में रुचि, जोर जबरदस्ती नहीं। अभी हमारी भक्ति कैसे, जैसे ठाकुर के सामने बैठ करके हम आनी ही करेंगे, पंचपात्र लेकर के सारे तीर्थों को आह्वान करते हुए आचमन करते हुए तिलक, हम जब मंत्र जब करते ना, बस मंत्र जब करते नहीं तो नींद आ जाएगी, नहीं तो ये मन कहीं चल भाग जाएगा, अपना बेटा बेटी नाती पति दुकान दुनियादारी पे मन है, इधर तो मंत्र जब कर हाथ भी चल रहा है होठ भी चल रहा है लेकिन मन ही नहीं चलता है, मन अपना काम कहीं कर रहा है। यार दोस्त का घर में मन चला गया, फिर जाकर देखते भैया मन कहाँ चला गया, हम तो मंत्र जप कर रहे। हमारी जो भक्ति है ना, इसलिए ये वैद्य भक्ति हम जाजन कर रहे हैं, अभी भी ठीक ठीक से हमारी वैद्य भक्ति नहीं हो रहा है। लेकिन जो राग भक्ति है, ये राग भक्ति किसको कहते हैं? मन को नहीं चाहने पर भी, जैसे गोपियाँ कहती हैं हम तो ये काले को याद करना ही नहीं चाहता, वो बाहर काला भीतर भी काला है, हम तो काला को याद नहीं करना चाहता था। हम जीवा को बोलते हैं ये निठोली ऐसे है, हम कहते भैया कथा बोलते हो दूसरा तो बात बोलो, ये कृष्ण का बात क्यों बोलते हो? लेकिन ये जीवा में आता तो उनके नाम के सिवाय कोई नाम ही नहीं आता है। ये कान को समझाते बोले कान तुम कृष्ण का बंसुरी क्यों सुनते हो? सुनने के लिए तो बहुत सारी चीज है लेकिन ये कानों में केवल कृष्ण की बंसुरी की आवाज आती है, हैं? ये आंखों में कहते हुए काला के बगैर और दूसरी चीज देखो लेकिन ये आंख जहाँ पड़ता है, जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, वो काला का सिवाय और कुछ आंखों के सामने आती ही नहीं। इसलिए जिसकी कण कण में एकदम भगवान, जिनकी कण कण में ठाकुर जी बैठे हुए हैं, चाहने पर भी
गोपियां चाहते हैं कृष्ण को स्मरण नहीं करें, लेकिन ये मन क्या करता है, जोर जबरदस्ती कृष्ण को स्मरण करते हैं। इसलिए ये भक्ति को क्या कहते हैं, ये भक्ति को कहते हैं राग भक्ति। जब स्वाभाविक रूप में ये मन भगवान के भजन में स्वाभाविक रूप में लग जाए, इसको राग भक्ति कहते हैं। इसलिए कहते मैया जसोदा की भक्ति कैसे है, वो राग भक्ति है। इसलिए वो क्या चिंता करती है, कृष्ण कौन है, मेरे लाला है, ये मेरे लाला, मैं इसको पकड़ नहीं सकती हूँ, इसको पकड़ करके आज रहूंगी हैं, आज पकड़ करके आज रहूंगी। मेरे कोख से जन्म लिया ना, माँ की क्या भावना, तुम मेरे कोख से जन्म लिया और मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हो गया तुमने हैं, आज तेरे को मैं पकड़ूंगी। इसलिए कहते कृष्ण की जितने माँ की प्रति भक्ति है, माँ की कृष्ण से भी ज्यादा भक्ति कृष्ण के प्रति मेरे लाला है। इसलिए माँ जसोदा की तत्व द्रुत गोपिया, कृष्ण जितने तेजी से भाग रहे थे, इनकी शुद्ध वात्सल्य रस है, इसलिए अपना प्रेम से जाकर कृष्ण को उन्होंने पकड़ लिया। जब कृष्ण को उन्होंने पकड़ लिया, इतने में कृष्ण बोले रुदंतम मुह नेत्र जुग्म मृतंतम, कृष्ण क्या करे बोले शीर्षक शीर्षक करे, कृष्ण रो रहे थे शीर्षक शीर्षक करके, गला में त्रिवली पड़ी हुई थी, कृष्ण की गला में त्रिवली पड़ा हुआ था। रुदंत मुहुर नेत्रम मुहुर मुहु, जैसे बच्चा होता ना हाँ शीर्षक शीर्षक कर रोते, कृष्ण ऐसे रो रहे थे। और मैया जसोदा ने मोटी मोटी काजल लगा दी थी, कृष्ण मृजंतम मतलब अपना हाथों से उसको मल रहे थे। मलते समय जो काजल जो मलेंगे क्या होगा, काजल के साथ में अश्रु मिल जाएगा, इतने में वहाँ दोनों धार से जैसे गंगा जमुना बहती है ना, कृष्ण की इन दोनों धार से अश्रु बह रहा था है। मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतम कराम भोज जुग्मेन सातंग नेत्रम, इधर कृष्ण डरे हुए थे, मैया मेरे को मारो मत, कृष्ण इधर लठिया घुमाते ना मारने के लिए, कृष्ण पीछे घूम जाते, जब इधर मारने के लिए चाहते कृष्ण उधर घूम जाते हैं, हैं उधर घूम जाते, कृष्ण शासन सातंक नेत्रम बड़े डरे हुए हैं, हैं जिनकी डर से काल स्वयं थरथर थरथर कांपते हैं, लेकिन आज मैया की डर से कृष्ण थरथर कांप रहे, क्यों, बात से ले रहे, ये मेरे लाला हैं, अगर अभी इसको शासन नहीं करूंगा तो बड़े भोगित कर बड़ा दुष्ट बनेगा, इसको शासन करनी चाहिए। इतने में मैया ने पूछा बोला लाला ये बताओ ये मटकी किसने फोड़ी, कृष्ण बोले मैया साची साची बताओ ना, झूठ बताओ, बोले झूठ में क्यों, साची साची बता दे, बोले मैया पहले पहले माता है ना पैर में इतने इतने मोटी मोटी कौड़ूले पहना करते थे, पूरा शरीर में श्रृंगार धारण करते थे, बोले मैया वो जो दूध उफन रहा था जब बड़ी तेजी से तू जा रही थी रक्षा करने के लिए, वो जाते समय इतने मोटी मोटी जो कौड़ूले पहने हुए थे ना वो लग करके ये मटकी फूट गई। मैया बोले कितना दुष्ट, मटकी खुद फोड़ कर कहते मैंने फोड़ दिया मटकी हैं। इतने में मैया ने पूछा लाला ये बताओ ये बंदर को किसने खिलाया, कौए को, बोले जिसने बनाया उसने खिलाया, बोले सो बात कहाँ से सीख गया हैं। मैया ने बोले तू हैं तू तो चोर गोप, तुम चोर हो, बोले मैं चोर, कृष्ण बचपन में सुन रखा था उनको एक मामा आए थे जिसका नाम था चोर गोप, जब मैया बोले तू चोर, बोले मैं चोर, मैं नंद बाबा साहूकार का बेटा हूँ, नंद बाबा राजा का मैं लाला हूँ, तेरे घर में कोई चोर गोप है, मेरे घर में नहीं तेरे घर में चोर गोप है। मैया बोले पता नहीं बचपन में कहाँ से सुन रखा। इतने में मैया ने बोली तुम तो बंदर का दोस्त हो, बोले मैया अंदर में बंदर का दोस्त मेरे को छोड़ दे, फिर तो ये बंदर को साथ में जंगल में रहूंगा तेरे घर में नहीं। अब देखना बच्चों को जो क्रोध आए ना बचपन में, अगर उनको छोड़ दो दिमाग में जो होगा वही कर देते, उस समय में वही कर देते हैं। जब कृष्ण बड़े क्रोधित में थे हैं, क्रोधित में मैया ने देखा अगर मैं इसको छोड़ दिया सचमुच से, कितने कष्ट से कितने तपस्या करके कितने पूजा पाठ करके ये बूढ़ा उम्र में बूढ़ी उम्र में के लाला मिलो है, अगर सचमुच से अगर कहीं चला गया तो फिर क्या होगा। इसलिए मैया ने सोची तू खाल और ये उद्दू खाल, तू खाल और उद्दू खाल दोनों मिल करके तुमने मक्खन चोरी किया, इसलिए आज मैं तुम दोनों को ही बांध करके रखूंगी, हैं बांध करके रखूंगी।
इसलिए मृजंतम मुहुर नेत्र जुगम मृजंतम कराम भोज जुगमेन सातरंग नेत्रम मुहुर श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दाम धरम भक्ति वधम। इसलिए मैया अभी कृष्ण को बांधना चाहती हैं, इतने में मैया नहीं वहां पर गोपियां खड़ी हुई थी, बोले एक रस्सी ले आ, अब इसको मैं बांध करके छोड़ूंगी। एक गोपी ने एक रस्सी ले आई, रस्सी ले आई तो उनने कोशिश की बांधने के लिए, लेकिन जब बांधने के लिए कोशिश की ना उसमें दो अंगुल कम पड़ गए, कितना फिर जब बांधी नहीं गई बोले और एक रस्सी ले आओ, और एक रस्सी ले आई, जब फिर गांठ लगाई फिर देखा वही दो अंगुल कम पड़ गया है, दो अंगुल कम पड़ गया। इतने में गोपियों ने कहा भैया विधाता ने इसकी ललाट में बंधन नहीं दिखा तो बांधो कैसे, मैया को और ज्यादा जोश, बोले क्या मैं नहीं बांध सकती हूँ, तो मेरे कोख से जन्म लिया, ये मेरे लाला है, बांध करके रहूंगी, ले आओ रस्सी ले आओ। फिर रस्सी ले आई, कहते ब्रज का जितने सारे रस्सी खत्म, कौन सा रस्सी, गैया को बांधने वाले रस्सी नहीं, और एक रस्सी होता है जब गोद दोहन करते हैं गैया की उसको पैर में एक रस्सी बांधते हैं, हैं वो जो रस्सी होता है ना कोमल होता है, वो इतने कठोर रस्सी नहीं होता है, वो बड़ा कोमल रस्सी होता है, वो रस्सी से कोशिश कर रहे थे बांधने के लिए, लेकिन कृष्ण को कमर में करधनी है उसमें घुंघरू बांध करके रखी, वो जैसे को तैसे, लेकिन रस्सी लंबी होती जा रही है, रस्सी लंबी होती जा रही है, लेकिन जितने बार घुमाए उतने बार उसमें दो अंगुल उसमें कम पड़ रहा है। इसलिए कल हम सुनेंगे दो अंगुल क्यों कम पड़ रहा था और कृष्ण को कैसे मैया ने बांधा, आज कन्या को बांध करके नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो भगवान को कष्ट होगा, इसलिए भगवान को बंधेंगे नहीं, कल बांधेंगे और कल ठाकुर जी की खोल भी कर देंगे ठाकुर जी को, ठीक है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री राधा दामोदर की, बोले श्री जसोदा दामोदर की, हाँ। इसलिए आप लोग जाओ, अभी इन लोगों का क्लास होगा, हाँ अभी तुम लोग बताओ कल मैंने क्या